हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सत्तर सिंह कैफ्टी में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये एक्सेल में डाटा मेनू के डाटा टूल्स के बारे में बताऊँगी, ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो देखिए, इस डाटा मेनू में ये ऑप्शन दिया गया है, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डाटा वेरिएशन और कॉस्ट रिजेक्ट। ये सारे ऑप्शन को आज यहाँ पे एक्सेल में कवर करूँगी। तो इसे करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक्सेल चाहिए। तो एक्सेल कैसे मंगाते हैं? तो एक्सेल को ओपन करने के लिए ये स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करते ही अगर यहाँ पर एक्सेल प्रोग्राम दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये सर्च बॉक्स में कर्जर रखिए, यानी माउस का लेफ्ट बटन पुश कीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए EXCEL। देखिए, एक्सेल टाइप करते ही यहाँ पे एक्सेल दिखाना स्टार्ट हो गया। अब यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन पुश करूँगी और पुश करते ही हमारा यहाँ पे एक्सेल प्रोग्राम क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो आइए मैं यहीं पे बताती हूँ आप सभी को ये सारे ऑप्शन को करके। तो इसको करने के लिए क्या करूँगी, सबसे पहले इसे जूम करती हूँ, यानी साइज थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए, ये साइज क्या हुआ, बड़ा हो गया। अब यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बॉर्डर भी लगा लेती हूँ, उसी बॉर्डर के अंदर काम करके बताऊंगी। तो यहाँ पे बॉर्डर के लिए यूज कर ली, ये बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पे देखिए, डाटा मेनू यहाँ पे है, तो इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे लिखा गया है टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट और डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट। तो यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है यानी कोई सेंटेंस यहाँ पे लिखा जा रहा है और लिखने के बाद अगर चाहती हूँ कि एक ही कॉलम में ऐड हो जाए ये सेंटेंस, तो ये टेक्स्ट टू कॉलम का यूज किया जाता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंटेंस लिख रही हूँ, यहाँ पे साइज बढ़ा लेती हूँ। देखिए, ये गाड़ी का साइज दे रहे हैं, यहाँ पे साइज बढ़ गया। अब यहाँ पे टाइप करती हूँ दिस ए वेरी गुड गर्ल। देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसे टाइप की हूँ। आइए, सेंटेंस टाइप करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या क्या हुआ है, हट गया है, यानी ये जो लाइनिंग है यहाँ से हट गया है। और हमें क्या चाहिए कि जो दिस है यहाँ पे एक सेल में आए, इज एक सेल में आए और ए एक सेल में आए, भेड़ी यहाँ पे एक सेल में आए, यानी कि अलग अलग सेल में ये सारे वर्ड को बांट देना है। तो करने के लिए उसी के लिए यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का यूज किया जाता है। तो करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिएगा, यानी इस पर क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट वाले सेल पर क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर जाइएगा और जाने के बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते रहना है जब तक ये ऑन हाईलाइटेड ना हो जाए, और जब ये ऑन हाईलाइटेड हो जाए तो उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। देखिए, फिनिश पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। और ओके करते ही देखिएगा कि जितना भी सेल है, ये सारे सेल में हमारे जो भी वर्ड लिखी थी, यहाँ पे सेंटेंस बनाई हूँ, एक एक सेल में यहाँ पे ऐड हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि टेक्स्ट टू कॉलम समझ में आया होगा, यानी कि कोई सेंटेंस यहाँ पे पहले लिखना है और लिखने के बाद अगर उस सेंटेंस को एक एक सेल में हमें वर्ड को बांटना है, तो बांटने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम का यूज किया जाता है। करने के लिए यहाँ पे क्या करूँगी, जैसे एक बार और बताती हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दी दिस इज ए, देखिए यहाँ पे टाइप की। टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेल अलग आ गया। और हमें क्या चाहिए कि दिस एक सेल में इज यहाँ पे और ए यहाँ पे और वाई यहाँ पे लिखना है। तो इसे करने के लिए क्या बताइए कि पहले इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद यानी ये वाले सेल, फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर जाना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। कब तक करना है कि जब तक ये ऑन हाईलाइटेड ना हो जाए। ये अनहाइलाइटेड हो गया और उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। देखिए, ये अलग अलग सेल में क्या हुआ, बट गया। तो ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, अब इसे समझाती हूँ। इसे डिलीट मार दी। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे फाइव लिख दिए, यहाँ पे सिक्स लिख दी, यहाँ पे सेवन, यहाँ पे मान लीजिए फिर सेवन, यहाँ पे एट फोर, फिर यहाँ पे फाइव, ऐसे करके। देखिए, इसमें डुप्लीकेट क्या है, यानी एक
नंबर डबल हो गया है, यानी कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ पे 6 है। मान लीजिए ये डबल नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे 6 बना दी, यानी कि ये डुप्लीकेट है। यानी एक ओरिजिनल होगा तो दूसरा क्या है कि डुप्लीकेट है, तो हमें एक ही नंबर ही रखना है यहाँ पे। तो रखने के लिए रिमूव डुप्लीकेट का यूज किया जाता है। जैसे इसको सेलेक्ट की आ करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे जा रही, आ जाने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करी, यहाँ पे नंबर है वो नंबर में से एक एक नंबर को यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी कि जो भी रिमूव डुप्लीकेट हुआ था उसको हटा दिया। तो इसी प्रकार से रिमूव डुप्लीकेट का यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन के अर्थ क्या है इसे समझाते हो अब। तो डाटा वैलिडेशन का मतलब है कि अगर मैं देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेती हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे 2 लिखना है तो 2 भी लिखाएगा, अगर 50 लिखना है तो 50 भी लिखाएगा। अगर इस नंबर को मैं यहाँ पे इतना सेल में लग कर दूँ तो ये उतना ही के बीच लिखेगा। जैसे मान लीजिए इसको हटा दी और ये सेलेक्ट कर रही हूँ, देखिए यहाँ तक मैं सेलेक्ट की हूँ। आ सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे जाना है। याद रहे कि जी से और 10 तक, यानी कि यहाँ तक मैं ये डाटा को सेलेक्ट करके उसमें डाटा वैलिडेशन का यूज कर रही हूँ। इतना ही दूर के अंदर जो भी मैं इसका कंडीशन यूज करूँगी वही कंडीशन यहाँ पे काम करेगा, बाकी इधर आपके पास ये सब लॉक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे गए और जाने के बाद देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन आया। अब इस ऑप्शन में से यहाँ पे एनी वैल्यू जहाँ लिखा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे होल नंबर दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही मिनिमम और मैक्सिमम का ऑप्शन दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिनिमम यहाँ पे मिनिमम यानी यहाँ पे जो भी हमें नंबर लिखना है मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करना है उस नंबर को डालना है। जैसे हमें यहाँ पे 10 से स्टार्ट करना है तो 10 डाल दी। अगर मान लीजिए 10 के बदले में हमें 50 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे 50 डाल दूँगी। और मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब कहाँ तक डालना है, यानी कि मान लीजिए हमें 100 तक डालना है तो 100 डाल दी। यानी कि ध्यान रहे कि 50 से 100 के बीच में इतना दूर के अंदर में मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। इसके अगर 100 के बदले 101, 2 या 500 या जो भी आप सभी को लिखना है तो उसको हटाना पड़ेगा पहले इसको, तब जाके लिख पाऊँगी। नहीं तो इधर आप सभी को कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जहाँ तक सिलेक्ट है वहीं तक आपके पास ये वाला रहेगा। तो ये 50 से 100 के बीच में हो गया। अब यहाँ पे ओके कर देती हूँ। देखिए ओके करने के बाद यहाँ पे 10 से लेकर के और यहाँ जी तक की थी। अब यहाँ पे कर्जर रख करके 50 से 100 के बीच में 60 टाइप कर रही हूँ। देखिए टाइप हो गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 टाइप करूँगी तो 30 इसलिए टाइप नहीं हो रहा है क्योंकि 30 को वहाँ से नहीं लिया गया था, क्योंकि 50 से लिया गया है। वही इसी प्रकार से इसको हटा करके मान लीजिए मैं 100 के बाद 150 टाइप कर रही हूँ तो देखिएगा नहीं लेगा। क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपके पास इसको क्या किया गया है 100 तक ही वहाँ पे ऐड किया गया है। अब वही 100 के बदले 70 टाइप करूँगी तो देखिए ले लिया। जैसे 90 टाइप करूँ तो ये ले रहा है। अगर यही इधर टाइप कितना हो करूँगी तो देखिए ले रहा है, क्योंकि इधर आपके पास उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 डालूँगी 4 डालूँगी तो ये सब एक्सेप्ट करेगा। जहाँ तक आपके पास सिलेक्ट था उतना ही दूर तक ये डाटा वैलिडेशन का यूज हुआ है। अब वही डाटा वैलिडेशन जो लगाया गया है अगर इसमें यही नंबर को यूज करना है तो उसके लिए पहले ये डाटा वैलिडेशन को हटाना पड़ेगा। तो जहाँ से लगाई थी वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करती हूँ, 10 तक था और ये जी तक था। तो देखिए सेलेक्ट कर ली। अब करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे जाना है, फिर डाटा वैलिडेशन पे जाना है और उसके बाद ये जो मिनिमम मैक्सिमम का नंबर है इसे हटा देना है, फिर इसको भी हटाना है, फिर यहाँ पे होल नंबर के जगह पे एनी वैल्यू करना है, उसके बाद ओके करना है। देखिए अब ये हट गया। अब यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे ले रहा है। वही जब तक वहाँ पे कंडीशन लगा रहेगा तब तक आपके पास उतना ही नंबर ऐड होगा जितना वहाँ पे कंडीशन में सेटिंग किया गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि डाटा वैलिडेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके पास यहाँ पे दे रहा है कंसोलिडेट, तो कंसोलिडेट को समझ जाइए। तो कंसोलिडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़े, एक यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ये शीट 1 है और शीट 2 है और शीट 3 है। मान लीजिए डाटा को शीट 1 में बनाना है, शीट 2 में बनाना है और शीट 3 में हमें डाटा को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले नेम डाल दी
फिर यहाँ पे मान लीजिए फिजिक्स का वैल्यू है, फिर यहाँ पे आए नीचे और आने के बाद नेम में कोई नाम डाल देंगे, जैसे राम डाल दी, जस्ट उसके नीचे मोहन डाल दी, फिर यहाँ पे मान लीजिए सोहन हो गया, राधा हो गया, मान लीजिए 5 डाल दिए यहाँ पे, ऐसे 4 हो गया। अब यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, जैसे 60 हो गया, 50 हो गया। इसका यहाँ पे साइज बहुत बड़ा है, इसको साइज छोटा कर दें, साइज छोटा हो गया। और यहाँ पे 30 डाल दी, यहाँ पे 40 डाल दी। अब ये हो गया एक सेल में, फिर दूसरा सेल को उसी प्रकार से निकालती हूँ। फिर इस सेल के साइज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपसे यहाँ पे साइज बढ़ा लीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा नेम, नेम हो गया। अब यहाँ पे जो जो नाम वहाँ पे लिखे हैं वही नाम यहाँ पे डालिए, जैसे राम, मोहन, मोहन, इसके बाद सोहन, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, नाम राम, मोहन, सोहन और राधा है, तो ये राम, मोहन, सोहन और राधा डाल दी। और यहाँ पे फिजिक्स है तो यहाँ पे केमिस्ट्री का वैल्यू है, और यहाँ पे आने के बाद केमिस्ट्री का वैल्यू डाल दीजिएगा। कोई भी आप जितना भी बना रहे उतना आप बना करके यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जैसे ये बना ली। अब थर्ड नंबर में आना है, और आने के बाद इसको साइज को बढ़ाती हूँ यहाँ पे। अब बढ़ाने के बाद यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे लिखना है नेम, फिर यहाँ पे नेम में जो जो नाम है उसको डालिए, जैसे राम है, मोहन है, सोहन, इसके बाद राधा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, टोटल निकालना है। यहाँ पे देखिए बनाई हूँ सीट 1 में ये डाटा फिजिक्स का, सीट 2 में केमिस्ट्री का डाटा है, और हमें सीट 3 में उस डाटे को जोड़ना है, यानी सीट 1 सीट 2 जो बना है उसमें हमें सीट 3 में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा, ये आंसर पार्ट को, ये आंसर पार्ट को सिलेक्ट करना है, यानी कि माउस से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे पुश करूँगी तो देखिए ये सेलेक्ट हो गया है। इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए, आगे डाटा वैलिडेशन में जाइए, उसके बाद कंसोलिडेट पे जाइए, और जाने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आएगा। आने के बाद यहाँ पे सीट 1 पे जाना है, और उसके बाद सीट 1 पे जा करके और ये जो आप फिजिक्स का वैल्यू लिखे हैं इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड दे रहा है तो ऐड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और ऐड करने के बाद सीट 2 पे जाइए, अब ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है इसको सेलेक्ट कीजिए, ये सेलेक्ट करके और ऐड पे क्लिक कर लीजिए। और करने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे दे रहा है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये जब सही का निशान लग जाएगा तो ये आपके पास सीट नंबर 3 में आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे ओके करूँगी तो देखिए ये क्या किया, सीट 1 में हमारा डाटा है 60 राम का, सीट 2 में 60, तो 60 120 हुआ, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में 120 दिखा रहा है। मोहन का 80 दिखा रहा है, तो 80 का मतलब हुआ कि 30 मोहन का इसमें केमिस्ट्री में है, और यहाँ पे 50 है, तो 50 और 30 मिल के क्या हुआ, 80 हुआ। तो इस प्रकार से आप सीट 1 में, सीट 2 में और सीट 3 में जोड़ सकते हैं। अगर आप सभी को और भी डाटा अलग अलग करके बनाना है, सीट 4 सीट 5 ऐसे करके, तो आप सब बढ़ा करके इस प्रकार से बना लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जितना भी बताई हूँ डाटा वैलिडेशन का, ये चारों ऑप्शन ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और इसमें कोई भी आप सभी को करने में, ये प्रोसेस इसका करने में दिक्कत हो रहा है तो आप सब कमेंट बॉक्स में दिखाएं, मैं उसको देख करके फिर से बताने की प्रयास करूँगी। थैंक यू।